हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तौसीफ रजा। आप देख रहे हैं इंट्राडे एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनजनवल ऐप में हम किस तरीके से अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट करें, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है। वो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या हमें कमोडिटी में या MCX में किसी भी चीज़ में जब हमें ट्रेड करना होता है तो हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट एक्टिवेट करना होता है, तब जाके हम उसमें ट्रेड कर पाते हैं। वरना नॉर्मली हमारे अकाउंट में फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो है सेगमेंट एक्टिवेट नहीं मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर हम उसके आज प्रोसेस के बारे में समझेंगे और किस तरीके से हम उसको एक्टिवेट करते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं एंजलवन ऐप में। मैंने सिंपल यहाँ पर एंजलवन ऐप अपना ओपन कर लिया है। आपको सिंपल आपका भी अपने ऐप ओपन कर लेना है और आपको इस वाले जो है बटन पर आपको क्लिक करना है, यानी कि होम वाला बटन है, आपको इस पर क्लिक करना है। मैंने सिंपल इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको ये पूरी डिटेल आ जाएगी, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा और आपके अकाउंट की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, सिंपल इस वाले पॉइंट पर आपको क्लिक करना है, यानी अकाउंट डिटेल पर। मैं यहाँ पर सिंपल अकाउंट डिटेल पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जो अकाउंट का जितने भी सेगमेंट आपके एक्टिवेट हैं वो सारा ही आपको यहाँ पर शो होने लगेगा इस इंटरफेस। तो यहाँ पर आपको जो भी शो हो रहा है वो सब टोटल दिखने लगेगा, आपका पैन, आपका ईमेल आईडी, आप मेल, जेंडर, फ़ोन नंबर, सब कुछ यहाँ पर शो होने लगेगा। बट आपको जो करना होता है सेगमेंट आपको एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पर अगर आपका सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है तो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा। अगर इसको एक्टिवेट करना है तो आपको इस वाले पैन पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर इस पैन पर क्लिक कर लेता हूँ सिंपल, और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको सारा ही प्रोसेस बताने वाला हूँ। मैंने इस पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर अगर आपका जो भी आपको यहाँ पर एक्टिवेट करना वो सारा आपको यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन, दूसरा हमें दिख रहा है NSE FX, तीसरा हमें MCX दिख रहा है और चौथा हमें NDEX दिख रहा है। तो यानी कि आपको जो भी एक्टिवेट आपका अपना करना है उस पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको MCX में ट्रेडिंग करनी है तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग करनी है इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग करनी है इस पर क्लिक। फिलहाल मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको इनको चारों ही क्लिक कर लेना, आपको चारों को क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि भैया आपको किसी भी चीज़ की वक्त आते आते जरूरत पड़ती है और जब आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो आपको चारों ही करना है। चारों का सिंपल एक ही प्रोसेस है। तो हमें यहाँ पर, मैं अगर आपका इन पर यहाँ पर टिक नहीं होगा इस तरीके से, ये चारों ब्लैक होंगे आपके, ठीक है। जब आपके यहाँ पर चारों ब्लैक होंगे तो आपको इन पर टिक लगा लेने हैं बिल्कुल आसानी से इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर मेरा सेगमेंट एक्टिवेट है तो यहाँ पर पहले से हमारे पास टिक लगे हुए हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर प्रोसेस बता रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद इस वाले टिक पर आपको नीचे वाले डाउन साइड में यहाँ पर बाय प्रोसीड टू योर एग्री, तो इस पर क्लिक कर, इस पर टिक लगाना, उसके बाद प्रोसीड टू एक्टिवेट पर आपको क्लिक कर देना। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको मांगने वाला है, देखिए सारे डिटेल यहाँ पर आपको क्या मांग रहा है, लास्ट 6 मंथ बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, डीमैट अकाउंट होल्डिंग, दूसरा सैलरी स्लिप, अगर आप कोई सैलरी करते हैं तो उसकी सैलरी स्लिप हो, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट या बैंक फिक्स डिपॉजिट रेसिप्ट, उसके बाद ITR, उसके बाद फॉर्म 16, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पर देना चाहें, जो भी आपके पास वैलिड है, अगर आपके पास कुछ भी वैलिड नहीं है, अगर आप चाहते हैं बैंक के चक्कर ना लगाना, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर एक प्रोसेस करना होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्योंकि अगर आप देखिए, आप चाहते हैं कि बैंक ना, तो बैंक का सेगमेंट ला सकता मैं, ठीक है, ना ही तो मैं बैंक में जा सकता, ठीक है। उसके बाद अगर ये भी नहीं है आपके पास, और ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपके पास ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तो आपने डीमैट अकाउंट खोला है और खोला भी इस पर्पज से कि आप ट्रेडिंग कर सके, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है तो आपको सिंपल इसका मैं बता दूंगा, इस पर क्लिक करने के बाद इसका डिटेल भी आपको ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डीमैट अकाउंट होल्डिंग का सेगमेंट ले लिया, बट यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले से एक्टिवेट है, बट यहाँ पर मुझे आपका प्रोसेस बताना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको सेगमेंट डाउनलोड किया है आपने एंजलवन की तरफ से, जो आपने होल्डिंग की थी, और होल्डिंग का मैं आपको प्रोसेस बता दूँ, आपको कम से कम 5,000 रुपये के कोई भी शेयर आपको बाई कर लेना है, और बाई करने के बाद 3 दिन में उसके जो है सेगमेंट वहाँ से आप उसको डाउनलोड करते हैं, यानी कि उसका जो है होल्डिंग सेटलमेंट आपको वहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। अगर आप प्रॉपर इस पर, मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, बना दूंगा, अगर आप इसके लिए मैं उसे रिक्वायरमेंट करेंगे तो, क्या भैया किस तरीके से हम अपना 5,000 की होल्डिंग का जो है मतलब
सेटलमेंट हमें डाउनलोड करना होता है, ठीक है। तो ये भी इस पर वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पर हम क्या करना है, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पर जाने के बाद में हमें सिंपल सा वही जो हमें जो हमने एंजल वन में 5000 की होल्डिंग का जो सेटलमेंट था हमारा, वो हमने डाउनलोड किया था, वो हमको यहाँ पर अपलोड करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर लिया और मैं यहाँ पर जाकर मैंने उसको क्लिक कर लिया, सिंपल मैंने उसको क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर मेरा यहाँ पर आ गया चॉइस एंड अदर वैलिड फाइल, ठीक है। यहाँ पर फाइल वैलिड नहीं है तो हम मैं दूसरी फाइल ले लेता हूँ, कोई वाली बात नहीं, क्योंकि आपको फाइल भी चेंज करनी पड़ सकती है, बट यहाँ पर ये वाली में ठीक है, मैंने देख ली फाइल ले ली। उसके बाद आपको प्रोसीड टू एक्टिवेट पर क्लिक कर देना, सिंपल आपको यहाँ पर देख रहा हूँ सारे टिक लगा लिए हमने, और सारे टिक लगाने के बाद में जो है अपलोड डॉक्यूमेंट भी कर दिया और डीमैट अकाउंट होल्डिंग का ही हम जो है सेगमेंट एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोसीड टू एक्टिवेट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक आपको OTP मिलेगा, उस OTP को आपको सिंपल फिल कर देना है, ठीक है। तो वन मिनट, यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी नेटवर्क स्लो होता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है प्रोसीड में टाइम लगता है, कोई एफडी वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको OTP मिलेगा, OTP पे जा लेना है। यहाँ पर हमें OTP वाला ऑप्शन मिल गया, यहाँ पर हमारे मोबाइल पर OTP भी आ गया, तो OTP हमें यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद में आपको अथोराइज पर सिंपल क्लिक कर देना, जैसा आपको यहाँ पर अथोराइज दिख रहा है, ठीक है। नीचे अथोराइज पर आपको क्लिक कर देना और OTP अपना यहाँ पर फिल कर देना। जब आपको हम यहाँ पर OTP फिल कर देंगे, उसके बाद अथोराइज कर देंगे, आपका सेगमेंट 24 आवर में जो है या 48 आवर में जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपका कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो आपको क्लियरली जो है बता देंगे एंजल वन की तरफ से कि भैया आपका जो है सेगमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ है। सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस तरीके से अपना सेगमेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर OTP फिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेगमेंट पहले से ऑलरेडी एक्टिवेट है, ठीक है। तो आपको प्रोसेस बता दिया है मैंने फिलहाल। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपको। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।